YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बेहतरीन शेयर जो कि काफी सॉलिड फंडामेंटल्स वाले शेयर हैं और इस शेयर में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। कभी भी गिरावट में मिलता है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं जब गिरावट में मिलता है। अभी फिलहाल काफी हायर लेवल पे है, तो यहाँ पर हम कंप्लीट रूप से देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स को और कंपनी के टेक्निकल चार्ट को। फंडामेंटल्स की बात करें तो जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसे हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर मार्केट कैप जो है 1,15,000 करोड़ का है, तो काफी वेल एस्टेब्लिश कंपनी है। मतलब मार्केट कैप हम ये देखते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है, तो कंपनी एक काफी बड़ी है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। अब बात करें यहाँ पर जो डिविडेंड यील्ड है, तो 0.6% का डिविडेंड यील्ड है, तो काफी सॉलिड है क्योंकि अभी स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पे काफी मूव कर गया है, तो डिविडेंड यील्ड आपको काफी कम देखने मिला है। ओवरऑल अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है कंपनी का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37%, रिटर्न ऑन इक्विटी 30%, ये भी काफी बेहतरीन है। प्रमोटर्स होल्डिंग 74.1%, कोई शेयर प्लेज भी नहीं है। और साथ ही साथ बात करें लार्सन एंड टूर्बो ग्रुप की ये कंपनी है जो काफी, ऐसे भी ब्रांड वैल्यू काफी जबरदस्त है। देखिए जो बिजनेस होता है उसमें ब्रांड वैल्यू काफी मायने रखता है, यहाँ पर कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू है काफी जबरदस्त है। अब बात करें यहाँ पर डेट टू इक्विटी का, तो 0.10 का डेट टू इक्विटी है, काफी कम डेट टू इक्विटी है, मतलब इक्विटी के कंपेयर में डेट कंपनी के ऊपर काफी कम है। टोटल डेट की बात है 756 करोड़ का है, जो कि काफी कम है क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व काफी ज्यादा है, मतलब 700 करोड़ का डेट है, वहीं 7,700 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। नेट प्रॉफिट 2,000 करोड़ का, तो नेट प्रॉफिट तो काफी जबरदस्त है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है बहुत सारे बिजनेसेस यहाँ पर ऑफर करती है आईटी सर्विस से रिलेटेड, जैसे एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना, उसको मेंटेन करना, फिर आउटसोर्स करना, साथ ही साथ इंटरप्राइज सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करती है, टेस्टिंग सर्विस, डिजिटल सॉल्यूशन और प्लेटफॉर्म बेस्ड जो सॉल्यूशन होती है वो कंपनी प्रोवाइड करती है जो इंडस्ट्रीज है उसको। तो इस तरह से कंपनी का बिजनेस काफी बेहतरीन है और काफी अच्छा ब्रांड वैल्यू है कंपनी का। और अभी जो है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनियां है काफी बेहतरीन कर रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी काफी बूम पे है, तो ऐसे कंपनियों में आपको निश्चित रूप से इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर यहाँ पर हम बात करें टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ का, तो देखिए टॉप लाइन ग्रोथ सेल्स जो है यहाँ कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ है। 2012 में मात्र 3,100 करोड़ का था, 2021 में 12,000 करोड़ पहुंच चुका है, यहाँ पर 4 times का सेल्स में इंक्रीज। नेट प्रॉफिट की बात है, मात्र 400 करोड़ का था यहाँ पर 2012 में, जो कि इंक्रीज करके हो गया यहाँ पर 1,900 करोड़, यहाँ पर तो 4 times से ज्यादा का प्रॉफिट में इंक्रीज है, तो प्रॉफिट तो सेल्स से काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। उसके बाद बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल मात्र 18 करोड़ के पास है कंपनी के पास। रिजर्व जो है काफी मतलब इंक्रीज हुआ है, देखिए लॉन्ग टर्म में 2012 में मात्र 1,000 करोड़ का रिजर्व था, जो कि यहाँ पर 8,000 करोड़ का यहाँ पर पहुंचने वाला है। फिर जो डेट है कंपनी का, जिसको यहाँ पर बोर्डिंग में दिखाया गया है, तो देखिए कंपनी का जो डेट है थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेट इंक्रीज हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन कंपनी का जो अदर पैरामीटर्स है वो काफी जबरदस्त है। फिर यहाँ पर कैश फ्लो की बात करें, देखिए जो कैश फ्लो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो कैश फ्लो में हम जो नेट कैश फ्लो देखते हैं और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो कैश फ्लो है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेट कैश फ्लो की बात करें, कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है ओवरऑल काफी पॉजिटिव रहा है, मतलब कंपनी के पास नेट कैश फ्लो है, मतलब कंपनी के पास इतना रुपया आ रहा है, तो काफी बेहतरीन काफी पॉजिटिव चीजें हैं कि कंपनी के पास इतना सारा रुपया जो है आ रहा है वो नेट कैश फ्लो में हम देखते हैं। और कंपनी के बिजनेस से कितना रुपया आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो लगातार कंपनी जो है पॉजिटिव यहाँ पर कैश फ्लो जनरेट कर रही है। यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंपनी जो है लगातार अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिससे यहाँ पर कैश फ्लो नेगेटिव दिख रहा है। फिर फाइनेंशियल एक्टिविटी से ये भी कंपनी कैश फ्लो नेगेटिव है, लेकिन जो नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव रहा है, तो ये काफी बेहतरीन चीजें होती है जो कि आपको देखना होता है। लगातार कंपनी का नेट कैश फ्लो नेगेटिव में हो तो आप वैसे कंपनी को अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टर सेक्शन का, यहाँ पर प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो पिछले 2 साल में लगभग कांस्टेंट है, तो यहाँ पर लगभग 75% के पास था, अभी 74% है, तो 1% इतनी बड़ी कंपनियों में कोई खास चेंज नहीं हुआ है। FIs यहाँ पर स्टेक लगातार अपना बढ़ा है, देखिए 7% से 13% जा चुका है। DIs अपना स्टेक यहाँ पर थोड़ा सा कम किया है, जो पब्लिक स्टेक है वो भी थोड़ा सा कम हुआ, मतलब ओवरऑल FI
जो FIs है वो काफी बुलिश है इस स्टॉक में। तो ऐसे ही जो सॉलिड फंडामेंटल्स वाले स्टॉक होते हैं उसके साथ आपको लगातार FIs दिखने मिलेंगे, तो काफी बेहतरीन है। FIs का स्टेक लगातार इंक्रीज हुआ है इसमें। अब देखिए बात करें टेक्निकल चार्ट का, तो चार्ट पे स्टॉक्स काफी सॉलिड रहा है और चार्ट पे ये स्टॉक्स किसी भी गिरावट में बाय है, किसी भी गिरावट में आप इसको बाय कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे ड्रॉ करें तो कभी भी अपना लो को ब्रेक नहीं किया, जैसे स्टॉक यहाँ से चला वन साइडेड यहाँ तक मूव किया, फिर यहाँ पर अपना लो बनाता है, फिर यहाँ पर स्टॉक्स ऊपर गया, फिर यहाँ पर लो बनाता है, लेकिन देखिए इस लो को ब्रेक नहीं किया, जो पिछला लो है उसको ब्रेक नहीं किया है। तो मतलब स्टॉक्स कहीं ना कहीं काफी सॉलिड है चार्ट पर, अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पर फिर से ये हाई बनाया और यहाँ से थोड़ा सा ये यहाँ पर करेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पर फिर से गिरावट होता है, एक लो बनाता है, लो बनाने के बाद जैसे यहाँ पर रिवर्सल का साइन दिखता है तो आप यहाँ पर इस स्टॉक में अपना पोजिशन या अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कब करना है, जैसे देखिए यहाँ पर आया, देखिए यहाँ पर डबल बॉटम बनाया, डबल पैटर्न बनाने के बाद ये स्टॉक्स ऊपर गया, तो जैसे आप इसका जो यहाँ पर देखिए डबल पैटर्न का ये जो ऊपर वाला लाइन है इसको जैसे ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर अपना पोजिशन बना सकते थे जो कि है 4600। तो वहां से देखिए स्टॉक्स वन साइड में मूव किया और यहाँ पर काफी अच्छा आपको रिटर्न दिया। अब यहाँ पर फिर से आपको वही वेट करना है, स्टॉक्स जैसे कोई बड़ी गिरावट दिखाता है या बड़ा करेक्शन दिखाता है तो यहाँ पर आया, फिर से यहाँ पर जो अपर साइड डायरेक्शन है, जो बुलिश पैटर्न है वो अगर बनाता है यहाँ पर, किसी भी तरह का बुलिश पैटर्न हो, इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर हो, डबल बॉटम हो, ट्रिपल बॉटम हो, किसी भी मतलब किसी तरह का हमें यहाँ साइन देता है तो फिर हम यहाँ पर अपना पोजीशन बना सकते हैं। लगभग यहाँ पर 6 times हो चुका है प्राइस, तो इतना बड़ा रैली के बाद निश्चित रूप से हो सकता है स्टॉक्स में कुछ ना कुछ गिरावट देखने मिले। तो जब गिरावट देखने मिलेगा तो फिर हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे कि, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जितने आप कम प्राइस पर करते हैं उतना बेहतर होता है। तो गिरावट बोल दीजिए, जैसे रिवर्सल का साइन दिखेगा वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो भी इसी ग्रुप की है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विस, वो था लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, ये है L&T टेक्नोलॉजी सर्विस। ये भी काफी जबरदस्त कंपनी है और ये कंपनी जो है इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। 2012 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी जो है यहाँ पर जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्टेशन से, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से, टेलीकॉम से, हाईटेक, मेडिकल डिवाइस, प्लांट इंजीनियरिंग, इससे रिलेटेड कंपनी जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। मतलब इस मुख्य रूप से ये सारे बिजनेस से कंपनी के। अगर बात करें इसके मार्केट कैप का, 56,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब जो लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक जो पहली कंपनी बताई थी उसका जस्ट ये अब हाफ है इस मार्केट कैप में। मतलब जितनी बड़ी कंपनी लार्सन इन्फोटेक था उससे जस्ट आधी है ये कंपनी L&T टेक्नोलॉजी सर्विस। तो आप अगर छोटे मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले कंपनी के साथ जाना चाहते हैं तो आप इस कंपनी के साथ जा सकते हैं। डिविडेंड की बात करें 0.4% है, तो 0.4% उस कंपनी से काफी कम है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिविडेंड भी आपको काफी कम देखने मिल रहा है। और यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये काफी बेहतरीन है, 30%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 74.2%, काफी बेहतरीन है, कोई भी सेल्फ प्लेज नहीं है। डेट इक्विटी काफी कम 0.13 का है, मात्र 506 करोड़ का डेट है, जबकि प्रॉफिट देखिए कंपनी का एनुअल प्रॉफिट 827 करोड़ का नेट एनुअल प्रॉफिट है, जबकि रिजर्व है 3792 करोड़ का रिजर्व है। हर पैरामीटर्स में कंपनी काफी जबरदस्त दिख रही है। टॉप और बॉटम लाइन ग्रोथ का, तो टॉप लाइन ग्रोथ में देखिए जो सेल्स था 2015 में 2600 करोड़ का था जो कि लगातार इंक्रीज हुआ और यहाँ पर पहुंच गया 5400 करोड़ का सेल्स। फिर यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है 311 करोड़ का था 2015 में जो कि इम्प्रूव होकर के हो चुका है 663 करोड़ का। यहाँ पर लगातार प्रॉफिट में जब देखने मिला है, सेल्स में जब देखने मिला है, यहाँ पर जो है सेल्स दोगुना हुआ तो प्रॉफिट भी दोगुने से ज्यादा हो चुका है। हर पार्टनर्स तो कंपनी कहीं ना कहीं काफी जबरदस्त दिख रही है। फिर बात करें शेयर कैपिटल का, तो 21 करोड़ का शेयर कैपिटल है कंपनी के पास। रिजर्व कंपनी का लगातार इंप्रूव हुआ है और अभी 4000 करोड़ के पास पहुंच चुका है, जबकि 2016 मात्र 766 करोड़ का था। डेट जो कंपनी का काफी बढ़ा है यहाँ पर 2021 के फाइनेंशियल ईयर में, तो थोड़ा सा डेट इंक्रीज हुआ है लेकिन कंपनी काफी बड़ी है, इतना डेट आसानी से पे कर सकती है। फिर बात करें कैश फ्लो का, तो नेट कैश फ्लो है कंपनी का यहाँ पर ओवरऑल पॉजिटिव रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कैश फ्लो पॉजिटिव था, फिर पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था, तो ओवरऑल अगर आप ऐड करेंगे तो कंपनी के पास पॉजिटिव कैश रहा है। वही कंपनी के जो बिजनेस एक्टिविटी है उससे कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पर 2015 में 289 करोड़ का था जो कि लगातार इंक्रीज हुआ और 2021 में हो चुका है 1327 करोड़ का,
यहाँ पर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो है वो लगातार इम्प्रूव हुआ है और साथ ही साथ काफी ज्यादा बढ़ा भी है। और बात करें यहाँ पर इन्वेस्टर सेक्शन का, तो प्रमोटर्स का जो इसमें स्टेक था 2018 में 80% था, लेकिन 75% से ज्यादा नहीं रह सकता, तो उसके कारण यहाँ पर स्टेक प्रमोटर ने अपना घटाया है और 74% जो कि काफी बेहतरीन होता है प्रमोटर का स्टेक। FIH का स्टेक यहाँ लगातार इंक्रीज हुआ है, लगभग डबल हो चुका है 2 सालों में। DIH भी अपना स्टेक इंक्रीज हुआ है, पब्लिक स्टेक थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। देखिए जो काफी बेहतरीन सॉलिड फंडामेंटल वाली कंपनियां होती है उसमें हमेशा आपको FIH अपना स्टेक बढ़ाते हुए देखने मिलेंगे, या FIH का स्टेक लगातार बढ़ रहा है, प्रमोटर का स्टेक लगातार बढ़ रहा है, ये साइन होता है अच्छी कंपनियों का। अब हम दोनों स्टॉक्स के रिसेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लार्सन टर्बो इन्फोटेक की बात करें, इसका जो रिसेंट यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है वो है देखिए यहाँ पर 6375 का, और यहाँ पर रेसिस्टेंस की बात करें जो रेसिस्टेंस है इसका जो पहला रेसिस्टेंस यहाँ पर होगा वो 7000 होगा, और दूसरा जो रेसिस्टेंस होगा इसका ऑल टाइम हाई एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है जो कि है 7587 का। अगर यहाँ पर हम बात करें चार्ट का, तो चार्ट जो है काफी वीक दिख रहा है। यहाँ पर देखिए हम चार्ट की बात करें तो यहाँ पर चार्ट जो है यहाँ पर हाई बनाया, यहाँ से लो बनाया, और फिर ये जो हाई बनाया है वो लोअर हाई है। जब लगातार लोअर हाई बनने लगे तब उस स्टॉक को हम वीक ऑन चार्ट कहते हैं। तो ये चार्ट पे थोड़ा सा वीक दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर लगातार लोअर हाई बन रहा है। तो यहाँ पर आप वेट करेंगे रिवर्सल का, कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो हम इसको बाय करेंगे। अभी ये जो पैटर्न है वो बेरिश पैटर्न है, अगर यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो पूरी तरह से ये स्टॉक बेरिश हो जाएगा। जब कोई स्टॉक से बेरिश मोड में हो, मतलब टेक्निकल चार्ट पे बेरिश हो, तो उस स्टॉक को आपको बाय नहीं करनी चाहिए। तभी यह स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर बेरिश पैटर्न बनाया है, जब सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो पूरी तरह से बेरिश मोड में हो जाएगा, तो हम इसको अभी अवॉइड करेंगे जब तक कोई बुलिश पैटर्न नहीं बन जाता है। तो कौन कौन से बुलिश पैटर्न होते हैं ये आपको हमारे चैनल पर सीखने मिलेगा, तो चैनल को जरूर विजिट कीजिए, वहां पर वीडियो जल्द आने वाला है। फिर बात करें जो L&T टेक्नोलॉजी सर्विस है, तो यहाँ पर देखिए ये स्टॉक्स ज्यादा बुलिश है क्योंकि अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है, और चार्ट पे भी ये थोड़ा सा उससे बेटर है। यहाँ पर जैसे ये इस रीजन को ब्रेक करता है जो कि 5570 रुपीज, इसको ब्रेक करता है ये पूरी तरह से बुलिश हो जाएगा। ऐसे भी स्टॉक्स अगर हम बात करें वीकली चार्ट पर, ये डेली चार्ट है, वीकली चार्ट पे अभी भी बुलिश है, वीकली चार्ट पे ये स्टॉक्स वीक नहीं हुआ है। और यहाँ पर सपोर्ट रीजन की बात करें तो इसका जो सपोर्ट रीजन है वो है 5100 से लेकर के 5180, ये इसका सपोर्ट रीजन है। तो अभी ये स्टॉक जो है थोड़ा सा साइडवेज है, इस साइडवेज में अगर ऊपर के रेंज को ब्रेक करता है तो ये बुलिश हो जाएगा, नीचे के रेंज को ब्रेक करता है तो बेरिश हो जाएगा। अगर नीचे के रेंज को मतलब सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर आपको अवॉइड करना चाहिए जब तक कि कोई बुलिश पैटर्न इस पे नहीं बनता। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।